सत श्रीकाल जी सारिया नू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल स्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे डीडीए के 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ एक बिल्डर फ्लोर जिसमें 4 BHK का नक्शा बना हुआ है। लोकेशन जो है वो है रोहिणी सेक्टर 22। तो रोहिणी सेक्टर 22 में हम 250 गज का फ्लोर देखेंगे। बिल्डिंग जो है उसमें सभी फ्लोर पर यूनिट अवेलेबल है। हमारे पास अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी फ्लोर्स अवेलेबल हैं और थर्ड फ्लोर जो है विद रूफ रेड मिलता है और छत पे भी आपको 2 कमरे, टॉयलेट, बाथरूम, किचन बनी हुई मिलती है। तो आज इस पर हम विजिट करेंगे। अभी हम खड़े हैं बिल्डिंग के फ्रंट में। आप ये देख सकते हैं पीछे काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, काफ़ी बड़ी पार्किंग लॉट जो है बिल्डिंग के सामने अवेलेबल है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये 13.5 मीटर की रोड है और इधर की तरफ भी इसमें 13.5 मीटर की रोड है। तो इसके सामने हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है। आप ये देख सकते हैं इसकी फ्रंट एलिवेशन, ये रहेगी बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन। और बिल्डिंग के बिल्कुल सामने जैसे मैंने आपको दिखाया, दोनों तरफ 13.5 मीटर की रोड्स हैं और एक साइड बड़ा पार्किंग लॉट है। अब हम अंदर चल के देखते हैं किस तरह से इसकी पार्किंग बनी हुई है। जो स्टिल पार्किंग एरिया में हमारे को स्पेस मिल रही है, तो ये आप देख सकते हैं अंदर जो स्टिल पार्किंग एरिया है उसमें जो हमारे को स्पेस मिल रही है वो ये टोटल स्पेस हमारे को स्टिल पार्किंग एरिया के अंदर मिल जाती है। ये टोटल स्पेस रहेगी स्टिल पार्किंग एरिया के अंदर, तो काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस हमारे को इस बिल्डर फ्लोर के अंदर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको स्टिल पार्किंग एरिया के अंदर। काफ़ी अच्छे से आपकी गाड़ियों की पार्किंग इस बिल्डर फ्लोर के अंदर हो जाएगी और सामने जैसे कि मैंने आपको दिखाया वहाँ पे भी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। और अगर हम देखें तो ये टोटल स्पेस रहेगी आगे भी पार्किंग की और इधर की तरफ बना हुआ आपका लिफ्ट और स्टेयर्स एरिया। अब हम ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरह से ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये रहेगा स्टेयर्स का एरिया है। ये स्पेस हमारे को स्टेयर्स के अंदर मिलती है और स्टेयर्स में आप देख सकते हैं जो बिल्डर ने जो स्टोन और मार्बल यूज़ कर रखा है स्टेयर्स में, काफ़ी अच्छा यूज़ कर रखा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर यूज़ कर रखा है। और लाइटिंग्स दे रखी हैं स्टेयर्स के अंदर ताकि आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप स्टेयर से ऊपर की तरफ आएँ। तो बिल्कुल इधर से देखें तो इधर साथ में स्पेस छोड़ रखी है जहाँ पे हमारी लिफ्ट इंस्टॉल होगी। तो विद लिफ्ट आपको ये बिल्डर फ्लोर मिलता है, इधर की तरफ आपकी लिफ्ट इंस्टॉल होगी। तो इसके बिल्कुल साथ में हमारा बना हुआ है 4 BHK का बिल्डर फ्लोर। ये आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हुए हैं एंट्रेंस पे, 4 BHK का बिल्डर फ्लोर है, 250 गज के प्लॉट पर यह बना हुआ है। लोकेशन जो है वो रोहिणी सेक्टर 22 है। अभी जो हम खड़े हुए हैं बिल्कुल एंट्रेंस एरिया पे खड़े हुए हैं। तो अगर हम नक्शे की बात करें तो ये सामने आप देख सकते हैं ये रहेगा लिविंग और डाइनिंग एरिया। इधर की तरफ एक आपका एक बेडरूम बना हुआ है जो कि अटैच बालकनी के साथ है। बीच में आपकी एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, एज ए गेस्ट टॉयलेट बाथरूम रहेगी। इधर की तरफ रहेगा आपका एक और बेडरूम जो कि अटैच बालकनी के साथ रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम इधर की तरफ देखें तो सामने आपका एक बेडरूम बना हुआ है और एक इधर की तरफ बेडरूम बना हुआ है और सामने आपकी बनी हुई किचन जो कि ओपन मॉडुलर किचन बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं लिविंग और डाइनिंग रूम की स्पेस। सामने वाली वॉल पे काफ़ी अच्छा पैनल का वर्क कर रखा है, डिज़ाइनिंग कर रखी है जो कि आपकी घर के अंदर कोई जैसी एंट्रेंस करेगा तो इधर से रहेगी एंट्रेंस। तो एंट्रेंस के सामने वाली वॉल काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव दे रखी है। ये आप देख सकते हैं कॉपर की वायर्स भी डाल रखी है बिल्डर ने। इधर की तरफ वायर्स का कनेक्शन दे रखा है, एक उधर भी दे रखा है। तो 2 AC आपके इस एरिया में इंस्टॉल हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग का डिज़ाइन और डाउन सीलिंग में जो बिल्डर ने डिज़ाइनिंग और लाइटिंग कर रखी है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया सामने से रहेगी आपके एंट्रेंस, उसके बिल्कुल साथ में आपको पूजा की स्पेस मिल रही है। आप इसको पूजा घर बना सकते हैं, पूरा आपको काम करके दिया जा रहा है। और इसके साथ में इधर की तरफ आपको एक वार्डरोब मिल रहे हैं जिसमें आप अपने सामान की स्टोरेज कर सकते हैं। तो आपका जो गेस्ट सिटिंग एरिया रहेगा वो टोटल ये स्पेस रहेगी। इधर की तरफ रहेगा आपका LCD पैनल जहाँ पे आप अपनी LCD लगा सकेंगे और ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी गेस्ट सिटिंग एरिया की। जो फ्लोरिंग हो रखी है वो इटालियन मार्बल फ्लोरिंग हो रखी है। और इसके अपोजिट में इधर की तरफ देखें तो ये रहेगा आपका डाइनिंग एरिया, सामने आपकी किचन रहेगी। तो इस एरिया को अपना डाइनिंग स्पेस बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम को जो कि विद अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप फर्स्ट बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस आपको फर्स्ट बेडरूम के अंदर मिलती है। फ्लोरिंग सारे फ्लोर के अंदर इटालियन मार्बल फ्लोरिंग हो रखी है और इस रूम के अंदर आपको अटैच बालकनी मिलती है, अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है। सामने आपके वार्डरोब्स बने हुए हैं जिसमें आप अपने सामान की स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्टोरेज के लिए जो स्पेस हमारे को मिलती है, ये टोटल स्पेस हमारे को स्टोरेज के लिए मिलती है। इतनी स्पेस साथ में भी रहेगी, ऊपर भी ड्रॉर्स जो हैं वो बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग डाउन सीलिंग में भी कर रखी है। इधर की तरफ रहेगा आपका LCD पैनल, तो ये LCD पैनल बना हुआ। और इसके अपोजिट में आप इधर की तरफ अपना बेड लगा सकते हैं, बेड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अभी हम देख रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम को। इसके साथ हमारे को अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिलता है। तो जो अटैच टॉयलेट बाथरूम है वो इधर की तरफ बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस, इसमें भी फिटिंग्स होनी बाकी हैं। ये टोटल स्पेस मिलती है आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम में। इधर की तरफ जो विंडो रहेगी ये बाहर की तरफ कनेक्ट होगी जिससे कि फ्रेश एयर आपको टॉयलेट बाथरूम के अंदर मिल जाएगी। और इधर वाली विंडो जो है वो बाहर वाले टॉयलेट बाथरूम के साथ कनेक्ट रहेगी। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि अटैच बालकनी के साथ मिलता है।
ये आप देखते हैं बालकनी की स्पेस, ये टोटल स्पेस हमारे को बालकनी के अंदर मिलती है और यही बालकनी हमारी सेकंड बेडरूम के साथ भी कनेक्ट रहेगी। तो अभी हमने देखा अपना फर्स्ट बेडरूम, अब यहाँ से जैसे हम वापस बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है हमारा सेकंड बेडरूम और ये बीच में बना हुआ है एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम जो कि एज ए गेस्ट टॉयलेट बाथरूम भी रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप स्पेस गेस्ट टॉयलेट बाथरूम की, बिल्कुल इसके साथ में हमारा बना हुआ है सेकंड बेडरूम। ये आप देख सकते हैं सेकंड बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस मिलेगी आपको सेकंड बेडरूम के अंदर। इधर की तरफ इसमें भी वार्डरोब्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने सामान की स्टोरेज कर सकेंगे। अपोजिट में आपको एलसीडी पैनल मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं एलसीडी पैनल, यहाँ पे आप अपनी एलसीडी हैंग कर पाएंगे और इसके अपोजिट में आप अपना बेड लगा सकते हैं। ये स्पेस आपको बेड लगाने के लिए मिलती है। इस रूम में जो डाउन सीलिंग हो रखी है वो ये आप देख सकते हैं, ये रहेगा इस रूम में डाउन सीलिंग का डिज़ाइन और ये रूम भी जो है वो अटैच बालकनी के साथ रहेगा। इधर रहेगी आपकी बालकनी की स्पेस, कुछ इस तरह से ये सेकंड बेडरूम बना हुआ है। तो यहाँ से हम जैसे वापस बाहर निकलते हैं अपने लिविंग और डाइनिंग एरिया की तरफ, तो इधर बिल्कुल साथ में एक वार्डरोब बनी हुई है जहाँ पे अपने सामान की आप स्टोरेज कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं जो स्पेस आपको मिलती है वार्डरोब्स के अंदर, नीचे भी आपको स्टोरेज की स्पेस मिलती है और ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी लिविंग और डाइनिंग रूम के अंदर। अब यहाँ से हम जैसे आगे निकलेंगे तो ये एक स्पेस क्रिएट कर रखी है पूजा घर के लिए, पूजा के लिए आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं अपना, पूजा की जगह को यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ में रहेगा आपका थर्ड बेडरूम, तो ये आप देख सकते हैं थर्ड बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस आपको थर्ड बेडरूम के अंदर मिलती है। काफ़ी बड़े साइज़ का रूम आपको ये मिलता है बिल्डर की तरफ से। इधर की तरफ आपको मिलता है वार्डरोब्स जिसमें आप सामान की स्टोरेज कर सकेंगे, साथ में आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिलता है बना हुआ और इधर की तरफ मिलता है आपको एलसीडी पैनल और ये रहेगा इस रूम में डाउन सीलिंग का डिज़ाइन और ये टोटल स्पेस रहेगी आपकी रूम के अंदर। इधर आप अपना बेड लगा सकेंगे और एक विंडो मिल जाएगी जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगी। तो अभी हमने देखा अपने थर्ड बेडरूम को, ये एसी के पॉइंट्स, एसी की वायरिंग सभी रूम्स में आपको फिटिंग्स मिल जाएंगी। और इस रूम से जैसे ही हम वापस बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ बना हुआ हमारा फोर्थ बेडरूम जो कि अगेन अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ बेडरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस आपको फोर्थ बेडरूम के अंदर मिलती है। इस रूम में इधर की तरफ आपको ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है, वार्डरोब मिल जाते हैं और एक ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है। इधर की तरफ रहेगा आपका एलसीडी पैनल और इसके अपोजिट में इस स्पेस पे आप अपना बेड लगा सकेंगे। तो ये टोटल स्पेस रहेगी, ये रहेगा इस रूम के अंदर डाउन सीलिंग का डिज़ाइन और लाइटिंग्स। इधर की तरफ रहेगी आपकी एक विंडो, तो ये टोटल स्पेस मिलती है आपको फोर्थ बेडरूम के अंदर। और अगर हम देखें तो इधर की तरफ रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी बड़े साइज की इसमें वार्डरोब दे रखी है। आगे इधर की तरफ ड्रेसिंग टेबल भी बना हुआ है जो कि आपको बिल्डर की तरफ से ही प्रोवाइड हो रहा है। इधर की तरफ देखें तो बिल्कुल साथ में रहेगा हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये टोटल स्पेस रहेगी अटैच टॉयलेट बाथरूम की। तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है और जो विंडो रहेगी वो शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगी, फ्रेश एयर आपको टॉयलेट बाथरूम में मिल जाएगी। ये भी हमने देखा अपना फोर्थ बेडरूम, ये टोटल स्पेस मिलती है फोर्थ बेडरूम के अंदर। अब यहाँ से जैसे ही वापस बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल साथ में बनी हुई है हमारी किचन, तो ये टोटल स्पेस मिलती है हमारे को किचन के अंदर। काफ़ी अच्छा काम किचन के अंदर कर रखा है, विंडो भी मिल रही है जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहे किचन के अंदर। यू शेप की किचन बनी हुई है, इधर स्पेस जो है इधर आप अपना फ्रिज लगा सकते हैं। जो टाइल्स दे रखी हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बिल्डर ने यूज़ कर रखी हैं और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग भी यूज़ कर रखी है। वाइट कलर की टाइल्स हैं और साथ में वाइट कलर का ही माइका जो है वो यूज़ करा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है आपको किचन के अंदर। ये सभी आप देख सकते हैं ड्रॉर्स बने हुए हैं सामान के स्टोरेज के लिए, ये सारी स्पेस मिलती है आपको स्टोरेज के लिए सामान की। तो काफ़ी अच्छी स्टोरेज हो जाती है आपकी किचन के अंदर, ये सभी आप देख सकते हैं सारी स्टोरेज के लिए आपको बॉक्सेस मिल जाते हैं। ऊपर भी ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं सभी में आप अपना सामान की स्टोरेज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टोटल स्पेस रहती है आपकी स्टोरेज के लिए। तो किचन में आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल जाएगी और इधर की तरफ आपको विंडो मिल जाएगी जो कि शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगी, वेंटिलेशन भी प्रॉपर रहेगी आपके किचन के अंदर। और ये आप देख सकते हैं किचन में जो डाउन सीलिंग और लाइटिंग्स कर रखी है, तो ये स्पेस रहेगी। इधर की तरफ आप अपना डाइनिंग टेबल का सेटअप कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हमारा 4 BHK का बिल्डर फ्लोर बना हुआ है जो कि 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ है, लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 22। अगर आप रूफ की छत की यूनिट लेते हैं तो जो लिफ्ट है वो छत तक आएगी और ये देखते हैं जो आपको रूफ पे स्पेस मिलती है, ये टोटल स्पेस मिलेगी आपको छत पे टेरिस पे।
काफ़ी अच्छी स्पेस आपको ओपन स्पेस जो है टेरेस पे मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको दो कमरे भी इस रूफ पे बने हुए मिल जाएंगे जो कि इधर की तरफ बने हुए हैं। एक कमरा इधर की तरफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहेगा फर्स्ट रूम, इसमें जो है अभी पेंट का काम बाकी है। ये पूरा फर्निश आपको मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। जो एक फर्स्ट रूम बना हुआ है उसके बिल्कुल साथ में ही बना हुआ है सेकेंड रूम। ये रहेगा सेकेंड बेडरूम जो आपको रूफ पे मिलेगा। पेंट का काम है वो आपको सारा रेडी मिलेगा। और इधर इसके साथ साथ इस रूम में आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो अटैच टॉयलेट बाथरूम रहेगा उसकी स्पेस। और इस रूम के बिल्कुल साथ बाहर निकलते ही आपको किचन भी मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं जो किचन रहेगी, यहाँ पे आपकी किचन बन जाएगी। ये किचन की स्पेस मिल जाती है। तो टेरिस पे आपको दो बेडरूम का सेट मिलेगा, साथ में किचन मिलेगी, जिसमें एक बेडरूम में आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम भी मिल जाएगा। तो अगर आप टॉप फ्लोर के व्यू लेते हैं तो 4 BHK का नक्शा आपको थर्ड फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको ऊपर मिलते हैं, तो 6 BHK का ये यूनिट हो जाएगी। और अगर आप रेंटल पर्पज से देख रहे हैं तो आपकी जो टेरेस वाली यूनिट है वो भी अलग से किराए पर चढ़ जाएगी, और फोर्थ फ्लोर वाली जो यूनिट है, थर्ड फ्लोर वाली जो यूनिट है वो अलग से किराए पर चढ़ जाएगी। अभी हमने देखा DDA के 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ 4 BHK का बिल्डर फ्लोर, और जो लोकेशन है वो रोहिणी सेक्टर 22 है। इसके अंदर हमारे पास सभी फ्लोर पर यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर आप सेकंड फ्लोर की यूनिट लेते हैं तो 2 करोड़ 20 लाख रुपये का आस्किंग है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो 2 करोड़ 25 लाख रुपये की आस्किंग है। अपर ग्राउंड फ्लोर पर 2 करोड़ 30 लाख रुपये की आस्किंग है। अगर आप थर्ड फ्लोर लेते हैं विद रूफ राइट, जिसपे छत पर भी 2 कमरे आपको मिलते हैं, अगर आपकी बड़े साइज की रिक्वायरमेंट है तो उसकी जो आस्किंग है वो है 2 करोड़ 75 लाख रुपए। 5 या 6 BHK की रिक्वायरमेंट है तो आप टॉप फ्लोर की यूनिट ले सकते हैं जिसमें 4 BHK नक्शा थर्ड फ्लोर पे बना हुआ है और 2 रूम जो है टेरेस पे बने हुए हैं, छत पे बने हुए हैं। उसके अलावा भी छत पे काफी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है जो कि ओपन स्पेस मिल जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया लोकेशन रोहिणी सेक्टर 22 है, चारों तरफ से वॉल कवर्ड सोसाइटी है, सामने काफी बड़ी स्पेस पार्किंग की भी है, स्टिल पार्किंग एरिया भी इसके अंदर मिलता है आपको विद लिफ्ट। ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। किसी तरह की अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और इसके अलावा भी हमारे पास कई अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास 2 BHK से स्टार्टिंग हो जाती है। हमारे पास जो 2 BHK की स्टार्टिंग हो जाती है वो 30 लाख रुपए से हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास फ्लोर्स हैं वो 4 BHK 5 BHK तक के अवेलेबल हैं, जिसमें 4 CR तक के फ्लोर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो किसी तरह की भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है रोहिणी में तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।